Can I be your superhero? Hey guys, welcome back to the Burn It Down channel. और हम लोग खेल रहे थे Pokemon Dreams Roam Hack का gameplay. तो पहले एपिसोड में हमने अपने दोनों स्टार्टर्स को पा लिया था प्रोफेसर कॉनिफर से और हम रूट वन को डिस्कवर कर रहे थे. तो चलिए देखते हैं आगे हमारे एडवेंचर में क्या होता है. हम लोग अच्छा यहाँ पर भी एक आइटम है. अरे यार पोकेमोन, इसको मैं स्किप करता हूँ जल्दी से. के तो यहाँ एक पोशन मिला है हमारे हमको. तो हेलो अ बैटल वुड बी लवली टू. ओके तो यहाँ पर एक पोकेमोन बैटल होने वाला है. ओके तो हमारे अंगार लेवल 6 में पहुँच गया है और उसने स्मोक स्क्रीन भी सीख लिया है. अच्छी बात है ये. तो चलो अब इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं. अरे ये कौन दौड़ते हुए आ रहा है और टकरा भी रहा है हमसे. और लो फिर से टकरा गया. यार यार ये इतनी हड़बड़ी में क्यों है? क्या कोई पोकेमोन का नया हिंदी डब मूवी आया है क्या? आई डोंट नो यार, तब मैं भी हड़बड़ी में हूँ. पता नहीं, पर शायद वो हमारे राइवल जैसा दिख रहा था. पर एनीवेज अपने एडवेंचर को कंटिन्यू रखते हैं. और गाइज मैं ये छोटे मोटे बैटल्स को स्किप कर दूंगा और हम थिकेट टाउन पहुंच चुके हैं. या आर यू अ न्यू ट्रेनर? नो डोंट आंसर मी. प्रूव योरसेल्फ, टेक द पोकेमोन जिम चैलेंज इन सोल्डा सिटी एंड विन द 8 बैजेस. हाँ हाँ पता है पता है. ओके माई नेम इज़ जिम. ईच टाइम यू चैलेंज अ पोकेमोन जिम आई विल देयर टू गिव यू एडवाइस. ओके थिकेट टाउन में असल में एक जिम है शायद. और उप्स आई फॉरगॉट समथिंग. बीट द थिकेट जिम लीडर वेंट टू मिस्टर कटर्स हाउस. ओके इट्स ऑन रूट 3. ओके यू हैव टू पास थ्रू रूट 2 टू गेट टू रूट 3. तो अब हमें एक्सपीरियंस सर. यस चलो एक्सपीरियंस सर हमें मिल गया है. बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है. तो जल्दी से जाके पोकेमोन सेंटर में मैं अपने पोकेमोन्स को हील कर लेता हूँ. ओके एनर्जॉय फुल हेल्थ, वी होप टू सी यू अगेन. चलो ये लोग से बात कर लेता हूँ. तो ये हमारे साथ बैटल करने वाला है. तो चलो देखते हैं क्या होता है इस बैटल में. तो शेलमेट, चलो यार मेरा अंगार अभी तक कोई फायर टाइप मूव क्यों नहीं सीखा है यार. लेवल 10 में एम्बर सीख जाता है. आई डोंट नो बट लेट्स सी. तो यहाँ मैंने 78 एक्सपीरियंस गेन कर लिया है और थोड़ा सिल्वर को मैं भेज देता हूँ. उसका कोवेट मूव काम आ जाएगा यहाँ पर. तो देखते हैं क्या होता है. तो एल्यूमिनाइज आ चुका. अच्छा इन्फेस्टेशन. तो शायद ये ट्रेनर हमें इन्फेस्टेशन वाला टीएम देगा क्या? पता नहीं, मेरे पास तो अभी कोई बग टाइप नहीं है. ओके सो इसने हमें इन्फेस्टेशन टीएम दे दिया है. ये कुछ हद तक पॉइजनिंग जैसा ही है, बस हर टर्न में डैमेज करता रहता है और स्विच आउट भी नहीं करने देता. तो उतना यूज़फुल टीएम तो नहीं है, मगर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. सो लेट्स कंटिन्यू. वेट, मैं एक्सपीरियंस सर को शायद किसी को. ओके एक्सपीरियंस सर वाज टर्न्ड ऑन, मतलब इस गेम में वो वाला फीचर है. मतलब कोई भी एक पोकेमोन अगर बैटल में हिस्सा लेगा तो सारे पोकेमोन को उसका एक्सपीरियंस शेयर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. ओके डेक्स नैव. अच्छा डेक्स नैव फीचर को मैं पहले ही पोकेमोन अनबॉन्ड में खेल चुका हूँ. ये असल में पोकेमोन को खोजने के लिए
पोकेडेक्स का एक एडवांस्ड फीचर है, मैं जरा एक बार ट्राई मार के देखता हूँ। वेट, स्टार्ट बटन, ओके। तो पोकेडेक्स में तो नहीं है। अच्छा, हाँ मिल गया। और ये रहा, कोई भी अगर हम वाइल्ड एरिया में रहेंगे तो वो पोकेमॉन यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर शायद ये जिम लीडर है क्या, बग टाइप जिम है। ओके, तो चैलेंजेस, सॉरी, ओके। तो शायद, हेलो, इस टाउन को जल्दी से एक्सप्लोर करता हूँ। सो गाइस, इन दोनों रूम्स में तो कुछ था नहीं, तो बाकी के शहर को भी एक्सप्लोर कर ही लेता हूँ, उसके बाद ही मैं उस जिम लीडर को खोजने जाऊँगा। शायद रूट 2 या 3 में है वो। ओके, तो इससे मैं बात कर लेता हूँ। तो चलो आगे चलते हैं, मुझे रूट 2 तक जाना है। तो इधर तो है नहीं रूट 2, रूट 1 है उधर। चलो शायद ये है क्या रूट 2, थिकेट कोलेसम। यार कोलेसम तो वो जगह होता है ना जहाँ बैटल करते हैं, शायद वो, पता नहीं यार क्या है। हेलो, यस, आई वांट टू नो व्हाट इज़ कोलेसम। डबल बैटल स्टाइल, डिफीट 4 ट्रेनर्स इन अ रो एंड विन द चैलेंज। ओके, तो चलो बोर्ड को भी पढ़ ही लेते हैं। प्रोटेक्ट, टॉर्मेंट, हिडन पावर और शॉक वेव, 5th वन विल बेरी। ओके, तो शायद ये कुछ एक स्पेशल टाइप का चैलेंज है, तो चलो इसे ले के देखते हैं। आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर टुडेज नॉकआउट चैलेंज। तो ये है कौन, तो अच्छा, तो हमारा राउंड 1 शुरू होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है इस बैटल में। यार कोलेसियम बैटल्स तो लगता है एक नया किस्म का बैटल। अरे ये कौन सा पोकेमोन है, नबग, ये तो शायद कोई फेकेमोन है लगता है। यार इसको, ये मुझे मिलेगा तो मैं इसे पकड़ना चाहूँगा। यार पता नहीं इसका टाइप क्या, मुझे तो लग रहा है फ्लाइंग बग टाइप होगा। तो स्मिंडा तो होएन रीजन का इंट्रोड्यूस्ड पोकेमोन है, उससे तो मैं जानता ही हूँ, नॉर्मल टाइप है वो। तो पहला बैटल तो हमने इजीली जीत लिया है, बस डॉल आइस, नहीं मुझे नहीं सीखना। अरे भाई नहीं सीखना मुझे, यस, ओके। तो पहला बैटल तो हमने बहुत इजीली से जीत लिया है, मगर हमारे अंगार का एचपी बहुत कम हो गया है, तो क्या ये हमें हील करके ही बैटल में भेजेगा, बैटल फ्रंटियर की तरह, पता नहीं यार। तो चलो बैटल को शुरू करते हैं। तो निडोरान, अंगार और सिल्वर जा चुके हैं और दोनों टोटली हील्ड हैं। चलो हील हो रहा है तो इससे फ़ायदा ये है कि बैटल जीतने में आसानी होगी, तो देखते हैं। तो हमने पहला बैटल जीत लिया और हम आ गए हैं सेकंड बैटल में। तो जल्दी से इस बैटल्स को स्किप करते हैं और शायद हमें मिलेगा शॉक वेव शायद, क्योंकि हम 4 ट्रेनर को तो हरा ही लेंगे इजीली। सो गाइस, सारे ट्रेनर्स को हरा लिया है और ये है शायद फाइनल बॉस। ओके, तो चलो अब इसे भी हराते हैं। खुशी की बात यह है कि अंगार ने एम्बर मूव सीख लिया है जो सुपर इफेक्टिव है बग टाइप्स पर, तो ये मुझे इस जिम में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। नंदलेस, ओके, निनकाडा, सस्क्रिट, एक वाटर टाइप पोकेमोन। यार ये वाटर टाइप मूव तो इतने कम लेवल में सीखा होगा, बबल, इट्स वुड बी सुपर इफेक्टिव। ओके यार हम जीत जाएंगे इस बैटल को, या जीत जाएंगे। ओके, और हाँ हम ये बैटल जीत चुके हैं और हमें मिलेगा ऑन द नॉकआउट चैलेंज। अच्छा, टीएम प्रोटेक्ट, ओके, टीएम प्रोटेक्ट हमें दिया गया, पर यहाँ तो शॉक वेव लिखा हुआ था सेकंड में। ओ, लगता है हमें कंसेक्यूटिव टाइम्स के लिए इस बैटल को लड़ना होगा शायद, हाँ वही होगा।
अगर अभी मैं फिर से लड़ने जाऊँ तो शायद मुझे मिल जाएगा, पर यहाँ ओके चलो चलो अब हम रूट। हेलो, आई वॉन्ट टू एंटर नॉकआउट चैलेंज बट आई एम अ बिट नर्वस। यार बैटल करने में नर्वसनेस क्या है? देखो ये वाला पोकेमोन है जो नया इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, पता नहीं ये मुझे एडवेंचर में मिलेगा तो मैं इसे ज़रूर पकड़ूंगा यार। नब बग ऐसा ही शायद कुछ नाम था। ओके इनसे भी बात कर ही लेता हूँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे जाना है रूट टू और ये थिकेट जिम लीडर को खोजना है ताकि मैं अपना एडवेंचर का पहला बैच जीत सकूं। तो मैं रूट टू में आ चुका हूं। तो अरे सिलिक, ये तो लगता है कोई फेकेमोन है। तो मैंने इसका एचपी काफ़ी रिड्यूस कर दिया है और मैं पोकेबॉल को यूज़ करूंगा तो शायद ये फर्स्ट में ही कैप्चर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। यस सक्सेसफुली कॉट, लेवल 3 का पोकेमोन है, पता नहीं क्या टाइप होगा। क्लोथ टाइप, आई डोंट नो। ओ ये नबक का इवॉल्व फॉर्म लगता है। साइकिक पावर एनर्जी इन सिल्क पेरेंट्स वीव। ओके ओके तो निक इसे मैंने सिल्क निकनेम दे दिया है और मैं रूट में अब आगे बढ़ता हूँ। यार मैंने तो सिल्क का टाइप देखना ही भूल गया, चलो देखता हूँ उसका क्या टाइप है। ओके बग साइकिक क्या? हाँ बग साइकिक जैसा कोई तो पोकेमोन है नहीं, तो ये उतने खास मूव्स तो सीखता नहीं है यार। बग टाइप पोकेमोन्स वीक ही होते हैं। चलो देखते हैं कि मैं इसे टीम में रखूँगा कि नहीं, पर अभी के लिए तो ये टीम का मेंबर बना रहेगा। यार इस रूट में बहुत सारे ट्रेनर बैटल्स हैं तो इन बैटल्स को मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ। ये मैजिकार्प वाला ट्रेनर तो हर गेम में पहुँच ही जाता है जो 3 मैजिकार्प लगातार यूज़ करता है। ओके तो ये हमें ओल्ड्रॉट दे रहा है जो उतना खास तो है नहीं, मगर पता नहीं यार इस गेम में कैसा है। किसी गेम में ओल्ड्रॉट से आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन भी पकड़ पाते हो, किसी किसी गेम्स में, सारे गेम्स में नहीं। तो यहाँ हमने एक लेज कूद के आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसे भी जल्दी से हरा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो हमारा सिलिक स्ट्रगल बग जैसा एक मूव सीख गया है जो अच्छा ही मूव है, उतना बुरा भी नहीं है। तो शुड वी गो दिस वे? ओके तो इस साइन बोर्ड को क्या, वेस्ट टू पोकेमॉन रेंच। अच्छा इस तरफ पोकेमॉन रेंच है लगता है, तो पोकेमॉन रेंच तरफ मैं जाता हूँ। ओ डियर आर योर पोकेमॉन हर्ट? ओ थैंक्स फॉर हीलिंग, थैंक्स। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडवेंचर को कैरी ऑन रखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।